23 મેનારો દાદરા નગર હવેલી લોકસભા બેઠકની મતગણતરી સરકારી કોલેજ કરાળ ખાતે હાથ ધરાશે, જેના માટે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલુ છે. એ અંતર્ગત સેલવાસ નગરખંડમાં મતગણતરી સમયે ફરજ બજાવનારા કર્મચારીઓને પ્રેઝન્ટેશન અને પ્રત્યક્ષ નિદર્શન તાલીમ આપવામાં આવી હતી અને મતગણતરીના દિવસે તાલીમ લેનાર કર્મચારીઓનું રેન્ડમાઇઝ પ્રક્રિયાથી પસંદગી કરાશે. સેલવાસ બેઠકની ગણતરી માટે 14 ટેબલ મૂકવામાં આવશે. પોસ્ટલ બેલેટ માટે અલગ ટેબલ રહેશે. દરેક ટેબલ પર સુપરવાઇઝર અને ઓબ્ઝર્વર રહેશે. એ નોંધાયેલ મતની ગણતરી કરી શકશે. આજની તાલીમમાં કલેક્ટર અને રિટર્નિંગ અધિકારી કન્નક ગોપીનાથ, નોડેલ અધિકારી HM ચાવડા અને કલેક્ટર વિજય પરમાર હાજર રહ્યા હતા. મુકુલ યાદવ, ZST સેલવાસ. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी काउंटिंग पूरी देश में 23 मई को होने वाली है और दादरा नगर हवेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो लोकेशन है, काउंटिंग हॉल है, वो कराड़ पॉलिटेक्निक में काउंटिंग हॉल की तैयारियां चल रही है, प्रिपरेशन, काउंटिंग हॉल प्रिपरेशन चल रही है. और उसी के दौरान हमें जो काउंटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग है, वो आज फर्स्ट ट्रेनिंग आज हमने किया है, यहाँ पर आज कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी सेकेंड ट्रेनिंग होगी और एक्चुअल जो काउंटिंग के लिए 23 तारीख को उनको सुबह कराड़ पॉलिटेक्निक में पहुंचनी होगी. इस बार जैसे कि ECI का इंस्ट्रक्शन है ऑन द बेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, 5 VVPAT हमें काउंट करना है, तो वो उसके लिए भी तैयारियां हमने कर ली है. और VVPAT काउंटिंग भी EVM की 21 राउंड होने के बाद, जितने कम्प्लीट EVM काउंटिंग करने के बाद VVPAT की जो काउंटिंग है उसके लिए भी फिर ट्रेनिंग हम आज यहाँ पर सारे काउंटिंग स्टाफ को दे रहे हैं. रेस्ट प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन एंड जैसे कि इलेक्शन एक पीसफुल तरीके से और अच्छे तरीके से हमने सारे लोगों के सहयोग से कर पाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे कैंडिडेट की तरफ से जो कोऑपरेशन रहेगी और काउंटिंग के दिन भी बहुत अच्छे से और एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में हम कर पाएंगे.